बाधित रहा रेल कॉरिडोर का काम। पुरैना नदी के पास गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर निर्माण का काम आंदोलन के चलते तीसरे दिन भी बाधित रहा। इससे प्रभावित ग्रामीण छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जो अधिग्रहित जमीन व उस पर खड़े पेड़ों का मुआवजा की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए तीसरे दिन प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसान सभा के नेताओं व प्रभावितों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। कटघोरा व दीपका तहसीलदार और बाकी मोंगरा थाना प्रभारी के साथ ही जिला प्रशासन व रेलवे के अधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। आंदोलनकारियों को धरना समाप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन जारी रहा। किसान सभा ने रेल कॉरिडोर निर्माण से पहले सभी प्रभावित किसानों के मुआवजा प्रकरण के निपटारे की मांग रखी। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए प्रभावित किसानों के साथ अधिकारियों ने उनके खेतों व पेड़ों का मुआयना किया। इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय में वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा व दीपक साहू ने कहा कि कई किसानों को अधिग्रहित जमीन और पेड़ों का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि ग्रामीण सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। उनका कहना है कि यदि रेल कॉरिडोर का निर्माण हो जाता है तो फिर उनकी कभी कहीं सुनवाई नहीं होगी। थी और मिट्टी को पाटा जा रहा था, बाद में पता ही नहीं चलता कि कितने पेड़ थे यहाँ, क्या थे। इसलिए मजबूरी बस किसानों को ये मतलब यहाँ पे काम को रोकना पड़ा, ताकि मतलब सर्वे सही तरीके से हो और लोगों को उसका मतलब अधिकार, जो भी उनका संपत्ति जा रहा है, पेड़ जा रहा है, जमीन जा रहा है, उनको उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए इस काम को आज तीसरे दिन भी रोका गया था और आज जिला प्रशासन ने मतलब इसमें हस्तक्षेप किया है कि मतलब जो भी किसानों का जमीन गया है, जिन किसानों के भी पेड़ों का नुकसान हो रहा है, उन सब का जांच करा के सबको उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन जिला एसडीएम महोदय के द्वारा दिया गया है यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट।